मैं डॉक्टर तरसेम सिंह ढिल्लों मुखी सब्जी विज्ञान विभाग पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ताडे नाल सब्जियां दी नरोई पनीरी तैयार करन वास्ते असी बैड किवें तैयार करने आ इहदे बारे ताडे नाल गल्लबात सांझी करन जा रहा। सब्जियां दी नरोई पनीरी तैयार करन वास्ते सब तो पहलां तां इह जिहड़ा खेत दी जिहड़ी आ वधिया जिहड़ी मिट्टी आ उहदा होणा बहुत ही जरूरी आ और उस थां दे उत्ते पनीरी तैयार करनी चाहिए जिथे घट्टो घट्ट 6 to 8 घंटे जिहड़ी आ सूरज की रोशनी जिहड़ी आ उह आउंदी होवे। ते इस तों बाद दे विच फिर जिथे असीं बैड तैयार करना इहदे विच इस तरीके दे नाल 1 मीटर चौड़ा बैड लैणा वा, 1 मीटर चौड़ा बैड होना चाहीदा ते उहदी जिहड़ी लंबाई आ उह तकरीबन 4 to 5 मीटर जिहड़ी आ होणी चाहीदी बैड दी ते जमीन तो 15 to 20 सेंटीमीटर बैड की जिहड़ी आ उह उचाई रखी जांदी आ। ते इह जिहड़ी मिट्टी आ इहनूं चंगी तरह बरीक करके और इहदे विच जिहड़ी रूड़ी की खाद आ 10 किलो पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब के नाल गली सड़ी रूड़ी जिहड़ी आ एक साल घट्टो घट्ट पुरानी होवे उहनूं इहदे विच मिला के मिट्टी दे विच मिला के ते इस तरीके नाल असीं बैड तैयार कर लैंदे आ। उस तों बाद दे विच फिर इह जिहड़ा बैड आ इहदी जमीन की सोध करनी बहुत जरूरी आ तां कि जमीन दे विच उल्ली नाशक बीमारियों तो बचाओ करन वास्ते इहदी सोध करनी बहुत जरूरी आ और सोध करन वास्ते असीं फार्मालिन जिहड़ी दवाई आ उह 15 to 20 ml 1 लीटर दे विच घोल के इहदा घोल बना लैंदे आ ते फिर 1 स्क्वेयर मीटर एरिए दे विच 4 to 5 लीटर जिहड़ा घोल आ इहदे नाल इह सारी मिट्टी नूं गड़ुच कर दिंदे आ ते उस तों बाद दे विच पॉलीथीन की शीट दे नाल इस बैड नूं जिहड़ा 4 to 5 दिनां वास्ते असीं ढक के रखदे आ ते उस तों बाद दे विच इस पॉलीथीन शीट नूं ला के इस बैड की मिट्टी नूं असीं रोज़ दे विच 3 to 4 दिनां वास्ते इहनूं हिलाउंदे रहिंदे आ पलटा मारदे आ तां कि फॉर्मालिन दवाई दा जिहड़ा असर आ उह इहदे विच्चों खत्म हो जाए। ते इहदे नाल ही फिर इस तरीके दे नाल असीं इह जिहड़ा बैड साडा तैयार हो गया हुण इहदे विच लैणा असीं कढ़दे आं सब्जियां दी जिहड़ी आ बीज नूं बीजण वास्ते ते उहदे वास्ते असीं इक जिहड़ा बणाई मशीन बणाई आ इहदे नाल असीं लैणा कढ़ दिंदे आ जिहदे नाल साडी जिहड़ी आ लेबर आ उहदा काफ़ी हद तक बचा हुंदा। ते फिर इस तों बाद जिहड़ा बीज आ उहनूं कैप्टन जां थीरम दवाई दे नाल सोध के तां कि बीज दे विच वी जिहड़ी आ असीं जमीन दी सोध वी कर ली आ कैप्टन ते थीरम दवाई दे नाल बीज नूं सोध के बीजना 3 ग्राम प्रति किलो बीज दे हिसाब दे नाल तां कि असीं इहनूं जमीन नूं वी और बीज नूं वी जिहड़ा बीमारी रहित कर लईए। तां फिर इस तरीके दे नाल इहदी लाइनां दे विच जिहड़ियां कढ़ियां असीं इह लाइनां इहनां दे विच इहदी बिजाई कर देणी आ ते इस तरीके दे नाल जदों 15 to 20 सेंटीमीटर तकरीबन इह पनीरी जिहड़ी आ उह उच्ची हो जाए तां उस वेले असीं इहनूं खेत दे विच पुट के ला देना। सो इस करके इह नरोई पनीरी तैयार करन वास्ते अगे असीं नरोई जिहड़ी आ सब्जी की काश्त करन वास्ते इह बहुत ही वधिया तकनीक आ। इह असीं प्याज की एक नवी दोगली किस्म दित्ती आ पिछले साल ही ते इहदा नां हैगा पंजाब POH1। सो इहदे जिहड़े इह जिहड़ी किस्म आ इहदे गंढे जिहड़े आ ਉਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੰਡੀ ਵਾਲੇ ਗੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆ ਸਾਡੀ 142 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਘੱਟ ਨਿਸਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 to 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਆ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਰੂਮ ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 221 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਸਾਨੂੰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਆ PRO7। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਨੀਰੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗੰਢੇ ਘੱਟ ਨਿਸਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ 160 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ PYO1 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਆ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
तो जिहड़े दरम्याने तो वड्डे आकार दे गोलाकार तंग कंडी वाले हुंदे आ ते इह जिहड़ी किस्म आ 141 दिनां दे विच पनीरी तों लाउण वास्ते इहदे गंढे तैयार हो जांदे आ। सो इस किस्म की भी भंडारण समर्था काफ़ी चंगी आ, गंढे इहदे घट निसरदे आ ते इह 100 इहदा 1 एकड़ दा औसतन झाड़ 164 क्विंटल प्रति एकड़ है ते इहदी जिहड़ी आ एक्सपोर्ट करन दे विच असीं इहनूं निर्यात करन दे विच इहदी जिहड़ी काफ़ी जिहड़ी इहदी इहदे वास्ते बहुत इहदी वैल्यू आ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ PWO ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕੰਢੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗੰਢੇ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 149 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਗੰਢੇ ਘੱਟ ਨਿਸਰਦੇ ਆ ਔਰ 1 ਏਕੜ ਦਾ 155 ਕੁਇੰਟਲ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। तो ये जिहड़ी किस्म आ चिट्टे रंग की होण करके पाउडर बनाउण वास्ते और इहदी जिहड़ी आ दवाइयां बनाउण वास्ते बड़ी मंग रहिंदी, इहदी बड़ी वैल्यू आ।